क्यों बुलाया, हमारा समय क्यों बिगाड़ रहे आप, और अपना भी बिगाड़ रहे, गले में तकलीफ है फिर भी बोल रहे हमको छुट्टी कर दो, आप भी खुश हम भी खुश। नहीं, जैनाचारी कहते हैं कि गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का, मुनि महाराज तीर्थंकर की लघु नंदन है और गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का कारण है। इसका अर्थ क्या हुआ? गृहस्थ धर्म सीधा किससे जुड़ता है? परोक्ष रूप से, मोक्ष मार्ग से। तीर्थंकरों का प्रणीत धर्म है, तो गृहस्थ अवस्था में जब आप इसकी आंशिक रूप से आराधना करेंगे, सुनेंगे, तब आपके मन में ये भाव बनेगा, क्यों ना उत्कृष्ट रूप से मैं इसे अपने जीवन में धारण करूं। आचार्यों ने उत्तम विशेषण जो लगाया है, उत्तम से तात्पर्य उत्तम चंद जी नहीं, या वो उत्तम लोग जो फाइव स्टार होटल में रुकते हैं, थ्री स्टार फैसिलिटी घर में है, उसके लिए उत्तम नहीं है। ये उत्तम शब्द क्वालिटी वाला है। कौन सी क्वालिटी? परिणामों की क्वालिटी, परिणामों की विशुद्धि। जब धर्म की आराधना ग्रस्त कर रहा है और एक साधक कर रहा है, महाव्रत का धारी योगी ऋषि, तो उन दोनों में अंतर दिखाने के लिए या गृहस्थ के 10 धर्म की अपेक्षा मुनि के 10 धर्म में क्या वैशिष्ट्य रहेगा, इसको दिखाने के लिए आचार्य ने उत्तम विशेषण लगा दिया। उत्तम मतलब उसके परिणामों में विशुद्धि ज्यादा। आचार्य कहते उत्तम ग्रहणम, जो उत्तम शब्द ग्रहण किया गया है वह ख्याति पूजादि लाभ के निर्वृत्ति के लिए। कहीं 10 धर्म ख्याति लाभ के लिए तो नहीं हो रहे? हमारा कुछ काम हो जाए, दुनिया में ऐसे घोर घोर तप करूंगा, 10 धर्म की साधना करूंगा और अंदर कोई चोर बैठ जाए कि ख्याति लाभ मिल जाए, कोई तप के द्वारा विशेष अतिशय को मैं प्राप्त हो जाऊं, इस प्रकार का कोई परिणाम योगी के मन में ना आ जाए, इसीलिए आचार्यों ने उत्तम शब्द का विशेषण दे दिया है। तो उत्तम क्षमा धर्म को पालन करने वाले कोई बिरले योगी होते हैं आपके लिए विशेष। अब आप ये जानना पड़ेगा कि जो उत्तम क्षमा आपको धारण करनी है, अब उत्तम क्षमा है कहाँ से? तो आचार्य कहते उत्तम क्षमा तुम्हारा स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है, आत्म सुख है, आत्मा का स्वभाव है। माता जी, जब आत्मा का स्वभाव है तो ये गायब क्यों हो गया? बस यही बात मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि जब आदमी सोच लेता मेरी वस्तु चोरी गई तो गई, क्यों तो चोर को खोजने लगता है। इसी प्रकार यह क्षमा धर्म को, जो क्षमा मोक्षदायक है, जो क्षमा संसार के पंच परावर्तन से निकालकर शाश्वत सुख में बिठालती है, जो क्षमा आत्मा के स्वरूप के आत्मा से मिलन करा देती है, जो क्षमा आत्मा को एक अलौकिक आनंद देने वाली है, जो क्षमा स्व के पुरुषार्थ से प्राप्त की जाती है, ऐसी क्षमा की हत्या आखिर किसने की? आप पेपर में पढ़ते हैं अमुक व्यक्ति का हत्याकांड, तो उसकी खोज की जाती है कि इसकी हत्या किसने की। वह सरकार प्रयास करती है, परंतु आज आपको भी खोज करनी है कि आपकी क्षमा धर्म की हत्या किसने की। माता जी, हमारे पड़ोस में तो सब विश्वसनीय व्यक्ति हैं, अच्छे, हमारी दांत काटी दोस्ती है उनसे, हर संडे को यानी तो मंडे को हमारी पार्टी हो जाती है, फिर भी हमारे पास पड़ोस में तो कोई नहीं है। सही कह रहे हैं, आपके पास पड़ोस वालों ने आपके क्षमा धर्म की हत्या नहीं की है, आप आत्मघाती दस्ते हैं, है ना? आत्मघाती दस्ते समझते ना, खुद मर जाता है दूसरे को मार डालता है। ऐसे आप आत्मघाती दस्ते के
आत्मघाती हमला करते आप स्वयं के ऊपर स्वयं हमला करते हैं। इस क्षमा गुण को किसी सेकंड पर्सन ने नष्ट नहीं किया है, बल्कि आपने स्वयं नष्ट किया। कैसे मारा माता जी? आपने इसे मारा है क्रोध की बंदूक से। बंदूक ऐसी आती ना, एक राउंड पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो रुकती नहीं है। ऐसा ही यह क्रोध का भी अपना एक राउंड है, अनंतानुबंधी क्रोध। दूसरा राउंड अप्रत्यक्षान क्रोध, तीसरा राउंड प्रत्यक्षान क्रोध, और चौथा राउंड संज्वलन। ऐसे ये क्रोध जब चालू होता है, अनंतानुबंधी क्रोध, जिस समय आता है पत्थर की रेखा के समान। कैसा क्रोध? पत्थर की रेखा के समान। तुलसीदास जी ने कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप क्या कहते हैं? प्राण जाए पर कसाए ना जाए, है ना? तुलसीदास जी ने कहा रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप क्या कहते हैं? मम कुल ये रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर कसाए ना जाए। बेटा मेरे को इसने मारा था, मैं बदला नहीं ले पाया, अगर तू मेरा सच्चा बेटा है तो इसको पानी पिला देना। ये राउंड जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक छोड़ता नहीं। तो क्षमा को घात करने वाला क्रोध है, और क्रोध के संरक्षक आप हैं। अभी बम विस्फोट हुआ तो किन किन के घर में आके रुका, उनको भी पकड़ा जा रहा। ठीक, मैं भी आपको पकड़ने की क्रोध आके रुका कहां? क्रोध ने क्षमा को मारा है, सच बात है, परंतु क्रोध को घास किसने डाली है? क्रोध को दूध किसने पिलाया है? तो आपने। अपराधी कौन हो गए फिर? आप ही हुए ना। इसका अर्थ सिद्ध हो गया कि क्षमा का घात, क्षमा का मर्डर, क्षमा की हत्या आपने की है। अब आपको हम रिमाइंड पर ले आएंगे। 14 दिन 15 दिन 10 दिन तक आपको इसी मंदिर में, आदिनाथ भवन में रोज बुलाकर आपसे इंक्वायरी की जाएगी। तो आज हम ये पूछते हैं आपसे कि क्रोध आता कब आदमी को? जो क्षमा का नष्ट करने वाला, वास्तव में आज विवेचना तो हमें करनी है उत्तम क्षमा की, पर उत्तम क्षमा तो बात खत्म हो गई, क्षमा धारण करनी है। आप कहते हो कि माता जी हम तो लड़ नहीं रहे, देखो बिल्कुल शांत बैठे, आप तो फिर भी हाथ ऐसा ऐसा कर रहे, हम तो उतना भी नहीं कर रहे, सबसे शांत हम ही बैठे हैं। कैसेट भी बाद में देख लेना, आपके हाथ हिल रहे, मुंह हिल रहे, हमारे तो नहीं हिल रहे, हम बिल्कुल शांत बैठे। बात यहाँ के क्षमा की नहीं, जब क्रोध के कारण मिले और आप क्षमा करें। जब क्रोध के कारण नहीं है और आप क्षमा धारण कर लेते हैं तो वह तो कायरों की क्षमा है। वीर की क्षमा उस समय होती है जब क्रोध के कारण मिलने पर भी वह क्रोध ना करे। अभी भोगी काका बैठे, वो कहने लगे माता जी मैं आज से गन्ने का त्याग करता हूँ, ईख का है, तो कैसा लगेगा? अजीब, भोगी काका उठ के नियम ले ले, माता जी मैं आज से गन्ने का त्याग करता हूँ। अब दांत तो है नहीं, गन्ने के त्याग क्या क्या मायना है? कोई मायना नहीं। जब दांत थे जब खूब जीवर के खाए और अब गन्ना नहीं खा रहे तो जूस पी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब क्रोध की परिस्थितियां आए, कोई गाली दे, मारे, पीटे, तब आप क्षम्य भाव धारण करते हैं, तब तो क्षमा। जो क्षमा मोक्ष प्रदाता है वह क्षमा आपके पास आपका स्वभाव है, फिर भी आपने इसे खो डाला। तो आज जिसके कारण यह क्षमा नष्ट हुई है,
कभी भी अपने शत्रु के बारे में और रोग के बारे में कभी भी लापरवाह नहीं रहना चाहिए। रोग के प्रति लापरवाह रहोगे तो धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा, और शत्रु के बारे में लापरवाह रहोगे तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आप कहोगे नहीं माता जी, हम तो रोज हेल्थ केयर सेंटर अटेंड करते, बिल्कुल आपसे भी ज्यादा केयरफुल है। अरे शरीर की हेल्थ नहीं, आप शरीर की हेल्थ के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंतित रहते हैं, परंतु आत्मिक स्वास्थ्य के बारे में जरा भी चिंतित नहीं रहते। आपको ये देखना कि जो रोग लग गया है वह रोग मात्र शरीर में नहीं लगा है, मन मस्तिष्क में रोग लग गया, क्रोध करने की आदत बन गई। क्या बन गई? आदत बन गई। क्रोध के बगैर आपका भोजन नहीं पचता, सही बात है ना? आप कहते माता जी हम क्रोध करना नहीं चाहते, सामने वाले करा देते हैं। तो अकेला बैठ रहे तो भाई कोई भी नहीं लड़ता, दीवालों से कौन लड़ता है? कोई लड़ता है? बिल्कुल अकेला, किसी को कमरे में बिठा दो, आज तक सुनने में नहीं है किसी ने कुर्सी टेबल तोड़ी हो, है कि किसी ने कांच तोड़ दिया, फोटो तोड़ दी, कोई फर्नीचर तोड़ दिया, क्रॉकरी तोड़ दी? नहीं, कब तोड़ता है? दो होते तभी तो टूटता है। तो अकेले होने पर क्रोध नहीं होता है, यदि कोई क्रोध करा रहा है तब भी क्रोध ना आए, तभी तो आपका शौर्य, तभी तो आपकी वीरता। तो उस क्रोध की वशीभूत होकर अक्षर ही कहते हैं यह क्रोध कैसा है, एक आग है। सामान्य जो आग होती है वह तो स्थूल वस्तुओं का दहन करती है, स्थूल वस्तुओं को जलाती है जो चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु क्रोध उसको जलाता है जो दृष्टिगोचर नहीं होता। क्या? आत्मा का स्वभाव। यह क्रोध मित्र नाशक है, बहुत अच्छा दोस्त है, पर क्यों खो दिया? बोले क्रोध क्रोध में एक बार उनके गले पे एक चांटा, गाल पे चांटा मार दिया, मित्र खो दिया आपने। यह क्रोध शांति नाशक है, बहुत अच्छे से शांति में बैठे थे, एक कोई क्रोधी व्यक्ति आया, उसने एक एटम बम रखा। अरे अहमदाबाद में बम विस्फोट हो जाए तो पूरी सरकार चिंतित हो जाती है। ठीक है, सरकार बाहर के बम विस्फोटों को तो रोक सकती है, परंतु क्रोध के वशीभूत होकर यह ज्ञानी जीव प्रति क्षण एक न एक विस्फोट करता ही रहता है। और कितने लोग मरते हैं, कितने घायल होते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। तुम जीवों के कितने द्रव्य प्राणों का, भाव प्राणों का हनन करते हो, एक बम विस्फोट पूजा होता है तो समझम 150 पुलिस आ जाती है और वो अपराधी कहलाता है। परंतु आगम आपको भी कह रहा है कि आप भी अपराधी हैं। जब जब कसाई की वशीभूत होकर किसी जीवों के द्रव्य प्राणों, भाव प्राणों का अपहनन करते हैं तो आप हत्या करते हैं, अपराध करते हैं, आप हिंसक प्राणी बन जाते हैं। तो ऐसे क्रोध, जो क्रोध स्वयं की भी शांति भंग करे और दूसरे की भी शांति भंग कर दे। क्रोध तो एक आग है। अब कल्पना कीजिए, आप आग आपने हाथ में उठाई और किसी आदमी को आपको जलाना है तो आग हाथ में तो उठाएंगे ना। जब हाथ में उठा लिया, अब आग हाथ में लेके खड़े हो, कल्पना कीजिए कि आपको सामने वाले पर फेंकना है, तो आग हाथ में उठाएंगे, निशाना देखेंगे, फिर तो हाँ, इतनी देर तक हाथ किसका जलेगा? जलेगा ना आपका। और कल्पना कीजिए आपने आग फेंकी, सामने वाला वाला होशियार था, चातुर्य बुद्धि का, तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, वो साइड में हो गया, तो सामने वाला नहीं जला ना, आप तो जल गए ना। तो क्रोध से दू सामने वाले की दुनिया उजड़े ना उजड़े, तुम्हारी दुनिया तो उजड़ने वाली है ही। कोई सामने वाला जले ना जले, तुम तो जलने वाले हो ही। ऐसा क्रोध जो पिता पुत्र में वैमनस्य उत्पन्न कर दे,
धर्म कार्यों से अरुचि उत्पन्न कर दे। कुछ लोगों का क्रोध का स्वभाव ऐसा होता कि मंदिर में आके भी मच्छर होता ना, मच्छर सबको काटता है, कोई नहीं सोचता कि माताजी को ना काटे, श्रावक को काट ले, सोचता क्या? अरे भाई चलो माताजी को, बड़े माताजी को काट लिया तब छोटे को ना काटे, छोटे को काट दिया तो बड़े को ना, नहीं, मच्छर तो काटने का स्वभाव है, काटेगा ही। ऐसे ही कुछ लोगों का क्रोध इतना स्वभाव में बन जाता है कि वो पूजन करेंगे तो भी एक आहुति क्रोध की चढ़ा ही देते हैं, एक नारियल साथ में क्रोध का भी चढ़ा देते हैं। तो इस क्रोध से बचने का प्रयास करें। एक बार अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक तीव्र क्रोधी व्यक्ति जिसे जैनिज्म के कर्णानियों की लैंग्वेज में हम कहेंगे अनंतानुबंधी क्रोध, जो कृष्ण लेशा को कारण है, वह व्यक्ति इतना क्रोधी हो गया कि अंधा हो गया। उसी टाइम डॉक्टर ने उसकी शरीर से खून निकाला एक सिरिंज भर के, और वह ब्लड खून लेके खरगोश की शरीर में उसी सिरिंज के माध्यम से पहुंचा दिया। अब वह क्रोध खून जब शरीर में पहुंचा तो खरगोश थोड़ी देर में हाथ पैर पटकने लगा, चीखने लगा, सामने वाले के ऊपर दौड़ने लगा, यहां वहां दीवार से सिर टकराने लगा। कुल मिला के 1.5 घंटे में खरगोश मर गया। अब बताओ सबसे स्ट्रांग टाइचन किसके पास है? हैं? सबसे स्ट्रांग टाइचन, सबसे विषाक्त विष, सबसे जहरीला विष किसके पास है? कौन सा है? क्रोध। लोग कहते हैं कि द्वारिका जल गई है, जल गई ना, सच बात है, हम भी कह रहे जल गई, कोई दुख की बात नहीं, जल गई जल जाने दो, परंतु आप रोज क्रोध करके अपनी छोटी सी द्वारिका जलाते हैं। जो घर में परिवार में बीवी बच्चे पत्नियां पत्नी है, और किसी घर में माँ पिता हो।